द डायग्राम बिलो इन द फिगर शोन द अरेंजमेंट ऑफ द फाइव डिफरेंट रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4, R5 और कह रहा है कि कनेक्टेड इन द बैटरी द EMF कितना लगा हुआ है यहाँ पर 1.8 वोल्ट का लगा हुआ है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कैलकुलेट करो। अब आप अगर टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने चलते हो तो यहाँ पर करंट अगर I निकल रहा है तो देखो I1 इधर चला जाएगा, I2 इधर चला जाएगा यहाँ के बाद से, और फिर से I1 इधर आएगा, I2 आएगा, फिर से ये I = क्या बनाएगा, I1 प्लस I2 बना देगा, और फिर I यहाँ तक आएगा, लेकिन यहाँ पर फिर से दो तीन पार्टों में डिवाइड हो जाएगा, I1, I2, I3 में डिवाइड हो जाएगा और फिर से यहाँ तक आ जाएगा I = I1 प्लस I2 प्लस I3, ये यहाँ तक आएगा I1, इधर आएगा I2, इधर आएगा I3। तो आप देख रहे हो कि ये पूरा कॉम्बिनेशन पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए नेट फार्मूला क्या होता है कि 1/R1 प्लस 1/R2 और 1/10 है और एक 1/40 है। इसको सॉल्व कर रहा हूँ इस वाले पोर्शन को, तो 40 का एलसीएम लिए तो 3+1 और 4/40 1/10 तो आर डैश कर लो इसको, आर डैश = कितना आ जाएगा 10 ओम आ जाएगा। अब जरा इसमें देखो ये भी तो पैरेलल में है 30, 20 और 60, तो 1/R" इसको भी सॉल्व कर लो, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इसको देखोगे तो 1/30 प्लस 1/20 और क्या है 1/60 है। देखो 30, 20 और 60 वैल्यू रख रहा हूँ, ये 60 एलसीएम ले लेंगे, 1/60 है ना ये, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा, 60/6 1/10 आ जाएगा, 1/R" R" = 10 ओम कर दिया, कितना कर दिया 10 ओम कर दिया। तो अब आप इस सर्किट को फिर से मॉडिफाई कर सकते हो, ये सर्किट कुछ इस तरीके से बन रहा है, ये 1.8 वोल्ट की बैटरी है, इन दोनों को सॉल्व कर दिया, जब हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया मिटा के इन्हें देखो इसको सॉल्व कर दिया, जब इसको सॉल्व कर दिया तो ये कितना बन गया 10 ओम बन गया, और यहाँ एमीटर लगाया है, और फिर अब इसको जब सॉल्व किया देखो इसको सॉल्व किया तो कितना बन गया है, इसको सॉल्व किया तो ये भी 10 ओम बन गया है, और ये फिर ऐसे देखो सर्किट बड़ी सुंदर बन गई ना। अब आपको आर नेट कैलकुलेट करना है, सीरीज में है कि नहीं है, देख लो सीरीज में है, करंट ऐसे निकल कर आएगा इसी रास्ते से ऐसे, तो 10+10 और R net = कितना हो जाएगा 20 ओम, आर नेट कितना हो जाएगा 20 ओम हो जाएगा। तो हमें आर नेट मिल गया, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कैलकुलेट करना था तो कितना मिल जाएगा 20 ओम। बेटे देखो यहाँ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हुई, तो इसका एलसीएम 4 हो जाएगा और 4 1+5 और यहाँ पर 5/40 हो जाएगा 1/8, आर नेट 8 आ जाएगा, और यहाँ पर जब आर नेट यहाँ पर देखोगे तो ये 10 नहीं बल्कि 8 है, तो 10 और 8 और 10 ऐड होकर 18 ओम बनेंगे। और आई नेट आपको कैलकुलेट करना है सेकंड पोर्शन में, रीडिंग ऑफ अमीटर कैलकुलेट करना है, I = E/R net होता है और E की वैल्यू 1.8 है और R की वैल्यू 18 है, ये देखो यहाँ पर सॉल्व करोगे तो I की वैल्यू 0.1 एम्पियर आ जाएगी।